करियर को अपग्रेड कैसे करें, यूए में जाना है तो कैसे जाए, मुझे खुद का बिजनेस चालू करना है तो कैसे चालू करें, मैंने बिजनेस चालू किया है लेकिन काफी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें। हेलो एवरीबॉडी, संदीप यहाँ पे है, आपको इनवाइट करता है कॉर्डियली दो दिन और एक नाइट का फुल रेजिडेंशियल प्रोग्राम बैंगलोर में हम लोग लेके आ रहे हैं। ये इवेंट में क्या क्या होगा? वर्कशॉप होगा, क्वेश्चन आंसर्स होंगे, कुछ क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स है उसके ऊपर डिस्कशन होगा, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे, BIM टेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कशन करेंगे, काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स है, कुछ क्रिटिकल इवेंट्स है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो एक बंच ऑफ पैक लेके आ रहे हैं, टेक्निकल इवेंट है, अलॉन्ग विद दैट फन एंड लर्न सर्टन एक्टिविटीज़ भी हम लोग लेके आ रहे हैं। ये एक रिसॉर्ट के अंदर हम लोग एक बहुत ही बड़ा इवेंट कंडक्ट करने जा रहे हैं बैंगलोर सिटी में। आपको क्या करना है, बैग पैक करके बैंगलोर में आना है खाली 2 दिन के लिए, 1 रात और 2 दिन, 28 अक्टूबर और 29 अक्टूबर, ये 2 दिन, सैटरडे एंड संडे, ये 2 दिन आप हमारे साथ, मेरे साथ, हम लोग बहुत ही पावर पैक्ड इवेंट लेके आ रहे हैं सिविल इंजीनियर्स लोगों के लिए। करियर को अपग्रेड कैसे करें, यूए में जाना है तो कैसे जाए, मुझे खुद का बिजनेस चालू करना है तो कैसे चालू करें, मैंने बिजनेस चालू किया है लेकिन काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उसको सॉर्ट आउट कैसे करें। सिविल इंजीनियरिंग में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं जिसमें करियर लाइन सेटअप नहीं हो रही है, कौन सा कोर्स करना है उसके लिए प्रॉब्लम है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कहाँ पे जाऊँ समझ में नहीं आ रहा, ये सारे कुछ इश्यूज़ अगर आपके पास हैं तो ये पर्टिकुलर इवेंट आपके लिए बहुत कारगर महसूस होगा। और एक बात बता देता हूँ, खाली फन लर्न ऐसा नहीं है, उसमें टेक्निकल इवेंट है, फन एंड लर्न एक्टिविटीज़ हैं, डिफरेंट एक मज़ेदार, इधर स्विमिंग पूल है तो कपड़े लेके आ जाइएगा, यहाँ पे काफ़ी सारे चीज़ें ऐसे पावर पॉक लेके आ रहे हैं हम लोग जिसमें आपका एकदम माइंड ब्लोइंग एक्टिविटीज़ के ज़रिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है जो सिविल इंजीनियरिंग के तरफ, वो देखने का नज़रिया ही चेंज हो जाएगा। एक बात बता देता हूँ, भारत देश में बहुत सारा डेवलपमेंट बाकी है, करोर्स एंड करोर्स, अरबों खरबों रुपीस के, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स आने हैं, करने हैं, सब लोगों को घर चाहिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन ये वो सब फैसिलिटीज सब लोगों को चाहिए, तो डेफिनेटली स्कोप सिविल इंजीनियरिंग का इनॉर्मस है। भारत में बहुत सारे एयरपोर्ट्स डेवलप किए जा रहे हैं, टाटा या इंडिगो हज़ार एयरप्लेन्स खरीद रहा है बाहर के देशों में, यहाँ पे काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, पोर्ट्स को डेवलप किया जा रहा है, रोड का नेटवर्क तैयार हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉर सिविल इंजीनियरिंग बहुत ही ज़्यादा है, उसको टैप कैसे करें, किस तरीके से आपको गवर्नमेंट का, अगर किसी जॉब के अंदर अगर आपको करियर करना है तो वो कैसे करें, साइमल्टेनियसली आपको प्राइवेट जॉब किस तरीके से सिक्योर करना है, इस सारे चीज़ों का मंथन किया जाएगा इस 2 दिन के वर्कशॉप में। रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, यानी आपका रहने खाने पीने का सब इंतज़ाम हमारी तरफ से किया जाएगा, बहुत ही नॉमिनल फ़ी हम लोगों ने चार्ज की है, फ़ी को मद्देनज़र न रखते हुए आप खाली ट्रस्ट करके बैंगलोर सिटी में आप आ जाइए, यहाँ पे हम लोग आपके सारे टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिकल जो भी डाउट्स है उसको पूरी तरीके से इरेडिकेट कर देंगे और आप एक अच्छे सिविल इंजीनियर, प्रोफेशनल सिविल इंजीनियर, जैसे चार्टर्ड इंजीनियर बोला जाता है, उस तरीके से अपना करियर आगे लेके जाएंगे। ये इवेंट हम लोग बार बार नहीं करते हैं, काफ़ी सालों में 4-5 सालों के बाद एक ही बार ये इवेंट करते हैं और लिमिटेड सीट की वजह से जो पहले कुछ ही एडमिशन जो बाकी है उन्हीं को अपॉर्चुनिटीज़ दिए जाएंगे। यहाँ पे 300-400 लोग का एक मॉप इकट्ठा नहीं करना है, जिन लोगों को सच में सिविल इंजीनियर के अंदर करियर बनाना है, जिन लोगों को सच में इसके अंदर कुछ योगदान देना है, इसके अंदर पेटेंट्स या डेवलपमेंट या इनोवेटिव कुछ करना है,
ये सारे चीज़ हम लोग इन दो तीन दिन के अंदर हम लोग करने वाले हैं। तो मेक श्योर आपके आपको 28th of October एंड 29th of October ये दो दिन सुबह से शाम तक, रात में भी आप उधर रुकेंगे, वी विल ऑल्सो बी देयर, एंड मेक श्योर कि ये दो दिन फुल टाइम इवेंट जो है वो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपका मेंटरशिप हो जाएगा। थैंक यू सो मच एंड सी यू एट द इवेंट। बाय बाय।